हेलो दोस्तों, नमस्कार जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। हमारे साथ एक धावक जुड़ चुके हैं जो कि रामगढ़ से आए हुए हैं। आपका क्या नाम हुआ? बानेश्वर कुमार। अभी इस रन फॉर खतियान में आप इसमें जो पार्टिसिपेट किए हैं, आप क्या उद्देश्य लेकर के इसमें किए हैं? इसमें इसलिए कहा कि पैदल मार्च भी हो गया है और मानव श्रृंखला भी हो गया, लेकिन सरकार जरा भी नहीं सुन रहा। इधर उधर दहन का भी कार्यक्रम चला। अब सोचे कुछ दौड़ के दिखाया जाए सरकार को। ये भी एक तरह का विरोध प्रदर्शन है। और युवा खतियानी युवा जितना वो सब दौड़ रहा है झारखंडी को जगाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए। इससे आपको विश्वास है ना कि आगे जाकर के ये खतियान लागू हो जाएगा? खतियान लागू हो जाएगा इसमें विश्वास है, लेकिन दौड़ से होगा इसमें विश्वास नहीं है। लेकिन ये भी एक माध्यम है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ धावक जुड़े हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बंटी कुमार महतो हुआ। आपका नाम? सोनू कुमार रॉय। तो क्या आप लोग अभी भी मतलब उत्साहित हैं अभी दौड़ने के लिए? बहुत ज्यादा उत्साहित है। क्या आप लोग अभी एक राउंड में पहुंच सकते हैं? 1932 के लिए 42 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। कल रांची तक जाएंगे दौड़ के। और जो धावक में हिस्सा नहीं लिए इस दौड़ में, उन लोगों को कुछ बोलना चाहेंगे? लोग अभी सोए हैं, बिहारी है। देखिए, जो लोग हिस्सा नहीं लिए, लोग को कहना चाहते हैं कि आप लोग भी जल्दी जागरूक हो अपना अधिकार लेने के लिए। अगर आप लोग अपना अधिकार नहीं लीजिएगा तो कोई दूसरा नहीं आएगा। हम लोग को अधिकार खुद लड़ के लेना पड़ेगा। तो अभी अब चलते हैं, और भी लोगों से मैं आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मिलाऊंगा। अभी हमारे साथ और भी धावक जुड़ चुके हैं जो कि तेलीडी से हैं। कोई कोई। क्या नाम हुआ आपका? आयुष कुमार। आपका नाम क्या हुआ? सरोज कुमार महतो। और हम लोग का यही कहना है कि 1932 खतियान के आधारित पे यहाँ पे नियोजन नीति हो, और इसीलिए हम लोग इतना दौड़ भाग कर रहे हैं। हेमंत बाबू, हेमंत सोरेन जी, आप ये बात समझ लीजिए कि अब आपका छाती में हम लोग चढ़ेंगे। आकाश भैया बोले हैं छाती में चढ़ेंगे, उसके साथ साथ पीछे हम लोग गौराएंगे, लात मारेंगे आपको। अब बस जल्दी से जल्दी अभी मौका सुधर जाए, नहीं तो हम लोग फिर आने वाले हैं।